आपकी क्या क्या हॉबीज़? पबजी भी बहुत ज्यादा खेली है। मैं सोता था तो मुझे नजर आता था मैं कंटेनर पे छलांग मार रहा हूँ, मुझे गन मिल गई, मैं मार रहा हूँ बंदे को। कोई एक ऐसा दोस्त जिससे आप अपनी हर बात शेयर करते हैं? आप वो सवाल पूछ रही है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। डर होता है ना कि नजर ना लग जाए, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, इसलिए नहीं बता रहा मैं। मतलब वो बहुत ही ज्यादा दिल के करीब है, रिश्वा से भी आगे। नहीं ऐसे ना कहें, प्लीज प्लीज। सर हयात और सैफ खान इमैच्योर या मैच्योर? मैच्योर है। हाँ ये तो आपके दिल में था। नहीं मेरे दिल में नहीं। मुझे ये बताइएगा, रिश्वा अंजुम से आप मिले कैसे? अफान शादी कब कर रहे हो? अभी आप किसके कहने पे आए हैं पाकिस्तान? भाई इन्होंने तो सब पूछ लिया जो मैंने आज तक अपने आप को नहीं बताया। न्यूज़ीफाई के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त आगाही मिलती रहे। न्यूज़ीफाई, अब चलें दुनिया के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यूज़ीफाई। आई एम योर होस्ट मरियम नवाज एंड टुडे आई ब्रॉट एन अदर इंटरेस्टिंग इंटरव्यू फॉर यू गाइज। आज के गेस्ट काफ़ी स्पेशल हैं हमारे। ये कह लें कि वो आपको बहुत कम नज़र आते होंगे इंटरव्यूज़ देते हुए। तो आज के गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, अफ़ान हमारे साथ हैं। चलते हैं अफ़ान से कुछ इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफ़ान। वालेकुम अस्सलाम। अफ़ान कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अफ़ान मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं वैसे बेसिकली तो पाकिस्तानी ही हूँ, बट आई एम बोर्न एंड रेस्ट अप इन कुवैत। सारा बचपन, सारी स्कूल लाइफ, सारा कुछ कुवैत ही है। तो अब ज़्यादा ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान आना शुरू किया। वैसे मैं ज़्यादा आता नहीं था पाकिस्तान, लेकिन अब पाकिस्तान ज़्यादा रहना शुरू किया। हाँ, लेकिन सुनने में यही आता है कि आप पाकिस्तान से नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं पाकिस्तानी ही हूँ, लेकिन सारी ज़िंदगी मेरी बाहर ही गुजरी है। पाकिस्तान की किस सिटी से हैं? मैं लाहौर से। हाँ, लाहौर लाहौर है, सब लाहौर के ही होते हैं। लाहौर लाहौर है, सही बात है। सबको ये लगता है कि आप फैसलाबाद से हैं? नहीं, मैं फैसलाबाद बहुत आता जाता हूँ, काफ़ी आना जाना फैसलाबाद मेरा, लेकिन मैं हूँ लाहौर से। ओके अफ़ान, आपकी एज क्या है? मेरी एज 23। अच्छा अफ़ान, आप ये बताइएगा करते क्या हैं आप प्रोफेशनल? टिकटॉक को तो हम ये कह लेंगे, ये नहीं मानेंगे कि कोई वो एक जॉब है या absolutely, professional. Absolutely ऐसे ही है। टिकटॉक को मैं भी वैसे जॉब नहीं मानता कुछ भी, मतलब ऐसा वो तो एज मतलब पैशन, शौक से बंदा करता है। उसका एक्टिंग का शौक हो या अपना टैलेंट कुछ दिखाना चाहता हो। exactly. मैं वैसे, मेरा बिजनेस है कुवैत में ना, तो वही संभालते रहते हैं। पाकिस्तान में भी बिजनेस है। कुवैत में क्या बिजनेस है यार? ये मैंने आज तक बताया नहीं। ऐसी हमारा ग्लास का बिजनेस है। ठीक, ऑटो ग्लास और फिर जो बिल्डिंग ग्लासेस होते हैं, ओवरऑल ग्लासेस का। आगे फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स ये हैं कि एक अच्छा आदमी बनना है, नेक इंसान बनना है, बस यही है और कुछ नहीं है। अच्छा, आपने अपनी एक वीडियो में कहा था कि आप टिकटॉक एज अ फन यूज़ करते हैं, इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? मेरी इसके अलावा हॉबीज़ ये हैं, मैं फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, मैं बिलियर्ड बहुत ज़्यादा बिलियर्ड खेलता हूँ। मेरे पास घर पे उसकी टेबल है और मैं बस जब भी मैं फ्री हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, मैं वो खेलता हूँ। ओवरथिंकिंग को ओवरकम करने के लिए? एब्सोल्युटली, मैं बॉल्स को मार मार के गुस्सा उतारता हूँ। एग्जैक्टली, मुझे पता है कि कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो हमारी हॉबीज में इसलिए होती हैं कि ताकि हम जब भी डिप्रेस्ड हों और जब भी हम ओवरथिंकिंग कर रहे हों तो उसको कम करने के लिए। इसकी तरफ भी ज़्यादा रुझान मेरा कोविड में हुआ था। कोविड से पहले मैं जिम बहुत जाता था, परेशान होता था, मैं जिम चला जाता था, लेकिन कोविड के दौरान सब बंद था। फिर मैंने कहा चलो ये भी एक हॉबी है पुरानी, तो इसको दोबारा से वापस करते हैं। फिर ज़्यादा तो ये बेस्ट है, मुझे लगता है कि अगर किसी गेम में आप इन्वॉल्व होते हो बजाय इसके कि पबजी के फिजिकल किसी गेम में। पबजी भी बहुत ज़्यादा खेली है, मुझे दिन रात आधे से ज़्यादा आपका माइंड ख़राब कर देती है। आधे से ज़्यादा मैं सोता था तो मुझे नजर आता था मैं कंटेनर पे छलांग मार रहा हूँ, मुझे गन मिल गई, मैं मार रहा हूँ बंदे को, बस। रियल लाइफ में भी वही चल रहा होता था, पबजी। ऐसा ही है, रियल लाइफ में पबजी चल जाती है कभी कभी। ग्रेट। अच्छा मुझे फन ये बताएंगे, टिकटॉक कब स्टार्ट की थी आपने? टिकटॉक मैंने कब स्टार्ट की, अगर आप ये कहें कि मैंने सही तरह से टिकटॉक बनाना कब स्टार्ट की, तो वो आई गेस 2 साल पहले होगा। लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ टिकटॉक को देखता ज़रूर था, जब ये ट्रेंड में आ रही थी एप्लीकेशन तो मैं देखता रहता था, लेकिन प्रॉपरली मैंने शायद 2-2.5 साल पहले शुरू किया सही तरह से। ठीक है, जब आपने फर्स्ट अपनी वीडियो स्टार्ट की थी वो रिश्वा अंजुम के साथ थी या वैसे ही रैंडम वीडियो थी? नहीं, फर्स्ट वीडियो तो ऑब्वियसली मेरी एक रैंडम वीडियो थी जो मैंने एक लिप सिंक किया था, लेकिन जो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वो अलिश्मा के साथ ही थी, मेरी फर्स्ट वीडियो। वो वीडियो अभी भी मेरे पास वो वीडियो सेव है, वो मेरी पहली वीडियो है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे ये बताइएगा अलिश्मा अंजुम से आप मिले कैसे थे? आप वो सवाल पूछ रही है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मुझे जानना है। अच्छा, एक्चुअली हमारी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि अफ़ान बताए तो सही कि मिले कब थे आप? अलिश्मा मेरी तकरीबन 8 से 9 साल पुरानी दोस्त है, मतलब 8 से 9 साल पुराना मैं इसको जानता हूँ। तो हम वैसे इंस्टाग्राम के थ्रू बने थे। बहुत जल्दी रिलेशनशिप में नहीं आ गए थे? छोटे होंगे उस टाइम आप बहुत छोटे होंगे। मैंने बताया जानता हूँ, ये नहीं कि रिलेशन में। ओके, और मैं किसने बोला मैं रिलेशन में?
ये तो राज की बातें है ना, ये तो नहीं पूछते ऐसी बातें, बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मैंने बताया कि मैं जानता हूँ, क्योंकि 8 से 9 साल पहले से मैं जानता हूँ अनुष्का को, तो बस ऐसे। मिले कब थे? फर्स्ट टाइम जो मिला था मैं, उसी वीडियो में जो मेरी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी, एम्पोरियम मॉल था, वहाँ पे मिला था मैं उससे। लेकिन ज्यादातर लोगों के माइंड में आप उनके फैमिली मेंबर हो, मतलब वैसे रिलेशन में रिलेटिव्स हो। वैसे तो बन जाते हैं जब रिलेशन बनते हैं, तो फैमिली मेंबर्स तो आप ऑब्वियसली बन जाते हो। वैसे अगर जो लोगों को लगता है कि आप उनके रिलेटिव्स हो, नहीं नहीं मैं उनका रिलेटिव नहीं हूं, आउट ऑफ फैमिली। आपने फिर भी क्वेश्चन को घुमा दिया, बताया नहीं। घुमाना तो बनता है ना, आपके सवाल ये है। नहीं बता रहे आपके, आप अनिश्मा अंजुम से मिले कब थे? मैं मिला था, कैसे मुलाकात हुई आप? As in, physically जो मिला हूं मैं, उस तरह पूछ रही हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मतलब आपका उनसे राबता कैसे हुआ, क्योंकि आप कुवैत में रहते थे, वो फैसलाबाद में हैं। ऐसे ही मेरा राबता उनसे फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पे हुआ था। इंस्टाग्राम पे जी, एज अ फॉलोअर थे हम, लेकिन उस टाइम अनिश्मा की फॉलोइंग वगैरह कुछ नहीं थी, आई गेस प्राइवेट अकाउंट था और 200-250 फॉलोइंग थी बस, कुछ भी नहीं था, टिकटॉक भी नहीं था तब, एग्जिस्ट नहीं करता था टिकटॉक। तब से मैं अनिश्मा और हम एक दूसरे को जानते हैं। पहले किसने रब्ता किया था? यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब हो जाता था, स्टोरीज लगा देते थे उस पर, कोई रिप्लाई वगैरह, कोई इमोजी, बस ऐसा कोई खास मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो पाकिस्तान में जब आप आते हैं तो कहाँ स्टे करते हैं, ज़्यादा फैसलाबाद में ही या लाहौर में? नहीं मैं लाहौर में ही होता हूँ, लाहौर में मेरा काम भी है, तो वैसे बहुत कम आते हैं आप पाकिस्तान में, मैंने यही देखा। हाँ आता हूँ फिर चला जाता हूँ, 2-3 महीने रहता हूँ फिर चला जाता हूँ, ऐसा ऑन एंड ऑफ आता जाता रहता हूँ। अफ़ान शादी कब कर रहे हो? शादी ये नहीं बता सकता मैं, ये ज़रा सीक्रेट सा सवाल है। हाँ सीक्रेट है, लेकिन ये कहने के अंदाजन किस एज में करनी है? किस एज में करनी है? जिस टाइम अल्लाह को मंजूर होगा उस एज में करनी है। हाँ ये भी बेस्ट है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अनिश्मा अंजुम और आप में दोनों में ज़्यादा लड़ाई कौन करता है? अनिश्मा मेरे एक्सप्रेशन से पता लगा? हाँ अनिश्मा वो पता चल गया। कोई बात नहीं, लड़कियां तो होती है लड़ाकी सी हैं। हाँ, तो लड़ाकी सी, वो स्वीट सी होती हैं, लड़ाकी नहीं कहेंगे, नखरे होते हैं उनके, वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं, करने भी चाहिए यार। नहीं अगर उठाने वाला हो तो लड़कियां नखरे दिखाती हैं, अदरवाइज नहीं। मैं कहता हूँ उठाने भी चाहिए यार, आप उठाते हैं ना, इसीलिए वो आपको दिखाती हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अफ़ान के अनिश्मा अंजुम लोगों की फैमिली में अनिश्मा अंजुम है, उसके बाद वो तीनों सिस्टर्स, उन सब में शरारती कौन है? सब में सबसे शरारती मुझे तो अनिश्मा ही लगती है, क्योंकि वो सबसे छोटी, और छोटे बच्चे आप लोगों को पता है कि वैसे शरारती होते हैं, ज़रा नोटिस से होते हैं, तो अनिश्मा भी है। अनिश्मा छोटी है या जन्नत छोटी है? नहीं अनिश्मा सबसे छोटी है, और जन्नत जो है जन्नत बीच वाली है, जन्नत बीच वाली है, फिर उससे बड़ी शहर है। अच्छा इनके कोई भाई नहीं है ना अनिश्मा लोगों का? नहीं भाई नहीं, जन्नत और शहर का भाई हूँ ना मैं। हाँ ये तो है, और मेरे भी भाई हैं आप, आपका भी, सबका एग्जैक्टली, अनिश्मा के अलावा सबके भाई हैं। कह सकते हैं, यस कह सकते हैं क्या, कंफर्म है? हाँ ठीक है, मतलब ठीक है। अच्छा नहीं बता रहे आपके, आपने शादी कब करनी है? ये थोड़ा सा सरप्राइज रहेगा मुझे ज़रा। ओके ठीक है, अफ़ान मुझे ये बताइएगा कि टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा आपकी जो वीडियो वायरल गई थी, उस पर कॉमेंट्स जो आए थे वो क्रिटिसिज्म था या अप्रिशिएट किया था लोगों ने, क्योंकि अनिश्मा के साथ वायरल गई थी वो? हाँ अनिश्मा के साथ थी, और वो शायद ईद वाली थी, मैं उसको ईदी दे रहा था या कुछ इस तरह, ईद वाली थी वो वीडियो, मैंने भी देखी है, बिकॉज मैं अफ़ान की वीडियोज़ देखती हूँ, एक सेंसिबल जो वीडियोज़ होती हैं ना, मुझे लगता है वो अफ़ान की ही होती हैं टिकटॉक पे। थैंक यू सो मच, टू बी ऑनेस्ट ड्रेसिंग सेंस बहुत है आपकी अच्छी। थैंक यू सो मच, क्योंकि कुवैत में रहे हैं तो उसी लिहाज से मुझे लगता है कि वेस्टर्न को किस तरह से कैरी करना है वो आपको बेहतर पता है, बाकी बस आपको पता है वो जो दूसरी कंट्रीज हैं वो थोड़ा हेड होती हैं हर मतलब फैशन में भी, तो वहाँ से देख देख के सेंस आ जाती है। लेकिन अब हमारा पाकिस्तान भी बहुत तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद है अपना पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैं एक बात कर रही हूँ, जनरल के कुछ लोग हैं जिन्हें वेस्टर्न वेयर करने आते हैं, उन्हें कैरी किस तरह से करना है ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बिल्कुल ये तो है, तो उसके साथ कलर कॉम्बिनेशन हो गया, फिर उसको मतलब किस तरह प्रेजेंट करना है आपने अपने ड्रेस को, तो वो एक चीज़ होती है जो मैंने नोट की है कि आप परफेक्टली कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अनिश्मा और जन्नत की भी ड्रेसिंग काफ़ी अच्छी है, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, बताया नहीं आपने कि किस तरह के कॉमेंट्स थे? कमेंट्स मैं अक्सर पढ़ता हूँ कमेंट्स, लेकिन मैं ज़्यादा दिल पे नहीं लेता, बुरा नहीं मनाता, अब वहाँ मैं दुनिया है, उन्होंने तो कहना ही है, कहते जाएं यार, जिनसे कुछ नहीं होता ना वो कमेंट कर देते हैं, करने दें, उन्होंने टाइप कर दिया कीबोर्ड वॉरियर है वो कर देंगे, चले जाएंगे, हम पढ़ के क्या अपना दिमाग क्यों जलाना, दिल क्यों जलाना अपना, कर दिया बस ठीक है, जिसका सब उनके पास राइट्स हैं यार, बोलने जो बोलने, उसके ऊपर कॉमेंट्स कह लें 50-50 थे, पॉजिटिव भी थे, जिस तरह की वीडियो थी उसको कोई फन वे में भी ले रहे थे, और फिर कुछ नेगेटिव भी, ये पैसों की बेहरमती थी, उसकी बेहरमती थी यार, अब
हाँ वो जिसमें आपने ईदी दी थी और फिर उसको सारा अच्छा, वो कह रहे थे ये कि ये हराम हलाल पुलिस आ जाती है हाँ, और शो इंटरनेट के शो बस ये है वो है इस तरह की बात है। अच्छा अफान ये बताइएगा लाहौर में आपके काफी फ्रेंड्स होंगे लेकिन कोई एक ऐसा दोस्त जिससे आप अपनी हर बात शेयर करते हैं, अलिशबा से हट के जरा मैंने लाहौर में पूछा। अलिशबा से हट के उस दोस्त का नाम ए से शुरू होता है लेकिन मैं चाहता नहीं उसका नाम बताना क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं नहीं चाहता कि लोग उसको देखें। मैंने बता दी सकता है मुझे पता हो शायद आपको पता हो, हो सकता लेकिन अक्सर जो दिल के करीब चीज़ें होती हैं ना बहुत ज़्यादा तो इंसान ज़्यादा जल्दी दिखाता नहीं है किसी को, डर होता है ना कि नज़र ना लग जाए कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल। तो बस वो बड़े दिल के करीब हैं, जो ज़्यादा दिल के करीब होते हैं उनके बारे में डर भी बहुत होता है इसलिए नहीं बता रहा मैं नाम, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब है अलिशबा से भी आगे। नहीं ऐसे ना कहें प्लीज प्लीज। अच्छा अफान कुछ टिकटॉकर्स के बारे में एक एक कमेंट हो जाए, सैर हयात और सैफ खान। सैर हयात सैफ खान बड़े प्यारे हैं दोनों, अल्लाह उनके नसीब अच्छे, ये सबको पता है अच्छे हैं दोनों, मैच्योर हैं अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं अच्छे हैं मैच्योर हैं, मैच्योर हैं ये ठीक है, इमैच्योर या मैच्योर? मैच्योर है हाँ। ये तो आपके दिल में था? नहीं मेरे दिल में नहीं, मुझे लगा आपने बोला है मैच्योर। नहीं 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 मैं चोर हैं दोनों अच्छे हैं। अच्छा हीरा खान, हीरा खान ठीक है बहुत अच्छी है, बहनों जैसी ही मेरी। मिनाहिल मलिक, मिनाहिल मलिक वो भी अच्छी है, वो भी बहनों जैसी ही मेरी। सारी बहनें ही वो तो हमें पता है, लिशबा के अलावा सारी बहनें ही हैं, लेकिन उनके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना कि आपके रिश्ते में वो क्या लगती हैं वैसे बताना है। अच्छा उमर और अली भट्ट के बारे में, दोनों के बारे में अलग अलग। उमर और अली भट्ट यार मैं उनके साथ बड़ा फ्रैंक हूँ, बहुत अच्छे हैं यार सब बहुत अच्छे हैं ठीक है, जज करना नहीं करना उन्हें कि अच्छे हैं या बुरे हैं। उमर और अली उनके साथ जब होता हूँ मैं तो वो एंजॉय बड़ा करते हैं। दोनों में सबसे ज्यादा किसके साथ फ्रैंकनेस लेवल? मेरी उम्र के साथ ज्यादा है फ्रैंक, ज्यादा बनती है। हां अली के साथ भी है लेकिन उम्र के साथ ज्यादा मेरी। ओके अफान मुझे ये बताइएगा कि अभी आप किसके कहने पे आए हैं पाकिस्तान? मैं अच्छा अब मैं किसके कहने पे आया हूँ, बस मुझे पाकिस्तान अपनी तरफ खींच लाया है। ना 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 किसी ने बुलाया होगा, किसी को सरप्राइज़ देने के लिए आए हैं या फिर फरमाइश? सरप्राइज़ देने आया हूँ, सरप्राइज़ देने के लिए आए। अच्छा मुझे बताइएगा अलिशबा अंजुम की लास्ट बर्थडे पे आपने उन्हें क्या गिफ्ट दिया? अलिशबा अंजुम की लास्ट बर्थडे पे मैंने उसको लॉकेट दिया था, एक लॉकेट दिया। और उन्होंने आपको क्या दिया? उन्होंने मेरी लास्ट बर्थडे पे मुझे काफ़ी ज़्यादा, मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, कपड़े बहुत ज़्यादा थे पर परफ्यूम्स मुझे बहुत पसंद है, परफ्यूम्स काफ़ी ज़्यादा थे और इस तरह काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स थे। अच्छा मुझे बताइएगा कि आजकल क्या वैसे भी ओवरऑल सब देख रहे हैं कि चाय दोस्ती पे हर तरह का इवेंट होता है, आपको चाय दोस्ती का इन्वायरमेंट कैसा लगता है और फ्यू वर्ड्स फॉर चाय दोस्ती? चाय दोस्ती का इन्वायरमेंट यार मुझे बाकी कैफे से बहुत अच्छा लगता है और खाना इनकी वाइट कढ़ाई का तो मैं दीवाना हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत मखनी हांडी जो है, मखनी हांडी एग्जैक्टली, और इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी अच्छा है यार, बंदा घर घर जैसा महसूस करता है, अपनाइयत का एहसास होता है यहाँ पे। हाँ, exactly. अफान लास्ट पे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहिए? ऑडियंस को मैसेज ये दूंगा कि आप अपनी सबसे बड़ी ताकत हैं और जो आप हैं वो कोई और नहीं है, तो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कभी भी नहीं। थैंक यू सो मच अफान, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपने अपना टाइम दिया हमें। इसी के साथ आप अपनी होस्ट मरियम नवाज को दें इजाज़त, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।